क्या बात है मेरे दोस्त, एकदम हीरो लग रहा है आज तो। जानवी को तू आइसक्रीम की तरह पिघला देगा। जानवी जी, ये मेरी तरफ से, कल आपसे ठीक से पेश नहीं आया ना तो उसके लिए। जानवी जी, क्या क्या हुआ? ये लीजिए, ये लीजिए। व्हाइट रोज़ेस से। ओके ओके ओके। अब पागल हो गया? अगर सॉरी बोलना था तो सीधे सीधे सॉरी बोल देते ना। ये पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? I'm sorry. फिजूल में ये चीको का अटैक दे दिया। ये रखो, मैं जा रही हूँ। What the luck? पहले अटेम्प में फेल हो गया यार मैं। It's okay. आइडिया। टेन मुरली इस बार काम करेगा। यस यस यस। जा जा। अरे बेटा फोकस ऐसे। कर रहा है? अरे बस पापा, थक गया हूँ मैं। रहने दो ये प्रैक्टिस। इससे तो अच्छा वो वाटरबॉल वाला काम ठीक है। आराम से बैठो और पानी दो बस। बेटा थोड़ी देर फोकस के साथ प्रैक्टिस कर ले, क्रिकेटर बनना है ना। नहीं करूंगा। अरे बेटा सुनना थोड़ी देर कर। कोई फायदा नहीं है ये उस ब्लडी म्युनिसिपैलिटी वाले की आन से। मैं जीत ही नहीं सकता। लेकिन अगर पा को पता चला कि ये एकेडमी में वाटर बॉय है तो पा तो डेफिनेटली मेरे हाथों से बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ ले ही लेंगे ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कैसे भी करके बस ये साबित करना है कि मैं प्रिंस की अच्छी परवरिश करने के साथ साथ यहाँ का बिजनेस सब कुछ अच्छे से संभाल सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे उस जानवी के बच्चे कियान को उखाड़ के फेंकना है। सुनो। हाँ, बोलो। तुम कुछ मदद करो ना मेरी। क्या करूँ? पता लगाओ उस ब्लडी जानवी के बारे में, थोड़ी छानबीन करो उसकी लाइफ से रिलेटेड। हमें कुछ ना कुछ कीचड़ तो जरूर मिलेगा जो हमारे लिए सोना बन सकता है। ये किसके फोन से म्यूजिक की आवाज आ रही है? ये म्यूजिक फोन से नहीं, मेरे गिटार से आ रहा है। कहते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा खाना चाहिए, तो फिर आज लंच ब्रेक में एक स्वीट सा गाना मेरी आवाज में। क्यों? ये गाना जा रहा है एक बहुत ही खास शख्स के लिए।
मुरली तुम ये गिटार कितना अमेजिंग बजाता हूँ, है ना? बंद करो बजाना, बाहर जाना है मुझे, बहुत काम पड़े हैं मेरे पास। अच्छा ओके ओके, जाने से पहले एक बात बता दीजिए प्लीज। क्या? क्यूट की क्या स्पेलिंग होती है? CUTE। गलत, क्यूट की स्पेलिंग होती है YOU। सुनो लंच ब्रेक ना OVER हो चुका है, लंच ब्रेक ओवर हो गया है। रितु बबलू जी आप लोग क्या कर रहे हो, काम पे चलो। तुम हटो। मेरी बात सुन। ACURITY सिक्योरिटी। चलो का इजहार है कि यार जान है उसने छिड़की, तोड़ के उसका दिल तूने फेंका आउट ऑफ द खिड़की। आंखें चेक करवा अपनी, काम के अलावा ना तुझे कुछ दिखता नहीं है। हाँ तो है क्या देखने लायक? मुरली देखा नहीं तूने कैसे तुझे सुबह से इंप्रेस करने के लिए पापड़ बेल रहा है? समझ नहीं आ रहा है क्या तुझे, वो फूल वो गाने वो क्यूट की स्पेलिंग को यू बोलना, उफ हाउ रोमांटिक। तुझे ही क्यूट कह रहा था वो पगली। क्या? मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था, मुझे लगा वो हर रोज इस तरह के फालतू जोक्स मारते रहता है तो वापस, पर वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो तुझ पर मर मिट गया है। तुझे समझ कैसे नहीं आ सकता, ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तू ठीक है ना रितु, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता नहीं मैडम, हो चुका है। और ये ऐसा वैसा वाला लव नहीं, ये तो इश्क वाला लव है। ऐसा कुछ भी नहीं है रितु, मेरी भोली रितु। मुझे अभी समझ आया, उसे क्या लगता है मैं सिंगल मॉम हूँ तो मेरा फायदा उठाएगा। अरे 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 कहाँ ले जा रही है बात को, बस थोड़ा रोमांटिक है आशिक अवारा टाइप, चलते हैं यार। अरे बकवास है बकवास, तुझे पता है ना मेरे लाइफ में सिर्फ क्या है और ये सब चीजों के लिए मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं है। और अगर फिर से इस मुरली ने मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना तो उसकी ऐसी खबर लूंगी कि हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। सर मैं तो आपकी कंपनी में एक मामूली सा अकाउंटेंट हूँ और आप मेरे इतने बड़े बॉस ने मुझे घर पे बुलाया, कोई गलती है क्या सर? हाँ गलती ये है कि तुम जानवी जोशी के भाई हो, उस जानवी जोशी के बेटे की वजह से मेरा बेटा अपनी फैमिली के क्रिकेट एकेडमी में नहीं खेल पा रहा। एक काम करो, जानवी जोशी के बारे में कोई ऐसी खबर निकालो कि मैं उसे इस्तेमाल करके उसके बेटे को क्रिकेट एकेडमी से बाहर निकलवा सकूं। ये दो लिफाफे हैं, कोई भी चुन लो, इसमें है टर्मिनेशन लेटर, मदद नहीं की तो नौकरी खत्म, और अगर मदद की तो 50,000 की रकम। ये भी कोई सवाल है सर? सर जानवी जोशी सिर्फ कहने के लिए मेरी बहन है, मेरा जानवी जोशी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैंने उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए, और वो भी सर वो मनोज कियान की वजह से। हाँ मैं आपको सच बता रहा हूँ। का तो सच में बाप नहीं है। ये है सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
हाँ बोलो। अरे जानवी के बारे में ऐसी ब्रेकिंग न्यूज मिली है ना कि तुम खुश हो जाओगी। अरे हाँ, सोचो कि तुम्हारा काम हो गया। अरे कियान जानवी की नाजायज औलाद है। बाप का कुछ अता पता नहीं, वो जानवी भी शादीशुदा नहीं है। वेल डन अबे, वेल डन। ठीक उल्टा खड़ी आई, रैना को ममता का ज्ञान दे रही थी। बस अब इसी के घमंड का पोचा बना के लड़ी इससे पूरा घर पुछवाऊंगी मैं। अरे लाना तो तुझ पे आर्यमान, तू हीरो क्या, तू जीरो भी नहीं है। मैजिक का ट्रेजिक कर दिया। उस गोली का फायदा क्या हुआ? गोली? दो हफ्ते हो चुके हैं। पापे हमला दो हफ्ते पहले ही हुआ था, इसका मतलब शूटर से बात कर रही है। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कुछ करना पड़ेगा। मैं कह रही हूं उसे जड़ से उखाड़ कर। हाँ मुरली, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ छी। रितु ने मुझे सब कुछ बताया, मुझे पता है तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा मैं एक सिंगल मॉम हूँ तो तुम मेरा फायदा उठा सकते हो, और तुमने इधर उधर मदद क्या कर दी? ऐसा सोचना भी मत, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। खबरदार जो किसी गलत फहमी में मत रहना मैडम, मैं सब आपको प्यार में नहीं बल्कि रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ, मेरे सर पे हमला करने वाले शूटर से बात कर रही थी ना। दो हफ्ते हो चुके हैं, गोली चले, प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़े, नॉल दैट। मैंने खुद सुना भी, काफी टाइम से मेरा शक था अब कि जो इश्क का ड्रामा किया ना मैंने, प्यार वाला, ये सब सच उगलवाने के लिए किया, और अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सच सामने आ चुका है। अभी सर पे हमला कराने में आपका हाथ है। नो इट। क्यों कर रहे हमला? क्यों किया? मैंने पूछा क्यों किया हमला? क्या बिगाड़ा तुमने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा तुमने? हाँ? मुरली तुम होश में हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं ऐसा कुछ करूंगी? हाँ तुम। तुम्हें पता मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, इस नौकरी की वजह से हूँ, इस होटल की नौकरी। अरे मेरे बच्चे की एजुकेशन तक इसी नौकरी के बलबूते से है। वो नेला परिवार के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ेगी तब भी दूंगी। इतने एहसान है उनके मुझ पर। शूटर हो गई है? हो गई, डायलॉग बाजी हो गई, ये और कुछ बाकी है बोलना? क्या था ये सब? गोली नाकाम हो गई, प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ो, क्या था ये सब? क्या था ये? छोड़ो मुझे। तुम सच्ची ना दिमाग से पैदल हो। मैं किसी शूटर से नहीं बात कर रही थी, अपने डेंटिस्ट से बात कर रही थी। अरे सच्ची, मेरे दादी के दांतों में दर्द है और उन्होंने जो गोली दी है वो दो हफ्ते से काम नहीं करी, इसलिए दो हफ्ते गोली और जड़ से उखाड़ दो, मतलब दांत को जड़ से उखाड़ दो। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना? रुको, मेरा लास्ट कॉल बैक करके देखो, बात हो जाएगी। जानवी जी, अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे। हो गई तसल्ली। पकड़ो। अच्छा तो फिर ये बताओ, ये तुम्हारे डेस्क पे ये 2 लाख रुपए की नकली रसीद, ये क्या कर रही थी वहाँ पे? सुनो, मैंने ये रसीद छुपा कर रखी थी। अच्छा, क्योंकि जब मुझे भी मिली थी ना, मुझे भी शक हुआ था, तो मैं खुद छानबीन कर रही थी। मैंने पता लगाने की कोशिश की, कुछ पता नहीं चला, बस इसलिए छुपाया। ऐसे
टिकट बेकार नहीं है, इसमें कार का नंबर दिया हुआ है। अरे मुझे तो इस पार्किंग लॉट के बारे में पता है मुरली, ये देखो ये गाड़ी का नंबर। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें इस पार्किंग लॉट पे लेकर चलती हूँ, हम दोनों मिलकर छानबीन करेंगे और पता लगाएंगे ब्रिटसर के दुश्मनों के बारे में, तब जाके शायद तुम्हें मुझ पर यकीन होगा कि मेरा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ओ, सुना तुमने, साथ मिलकर करेंगे ये। ये रहा वो पार्किंग लॉट। गाड़ी का नंबर क्या था? चेक रिजल्ट। ये रहा MP03 89966। मैं इसे रख लूं? ठीक है, एक काम करिए, वहां देखिए, मैं यहां देखता हूं। ठीक है। हेलो रीवा भाभी, सुनिए ना, आज मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैंने कियान के लिए फ्रिज में आमरस रखा है, उसे दे देना। हाँ MP03। हाँ भाभी रख दे। हेलो मुकेश भैया, मैंने आपको 2 दिन पहले कियान की शर्ट दी थी, अब तक क्यों नहीं आई? हाँ देखो मुझे आज की आज चाहिए। ठीक है MP। हाँ रखो 20। हेलो आर्ट डेपो, वर्ल्ड मैप, सोलर सिस्टम और एक ड्राइंग बुक, ये तीनों चीज़ें आप पैक करके रख दीजिए। जानवी जोशी जी, इसी नंबर पे जी, मैं पिकअप कर लूंगी आके। अरे क्या ये सब? क्या ये सब? ये क्या कर रहे हो तुम? आप क्या कर रही हैं? मेरा फोन दो मुरली। कब से देख रहा हूँ मैं, कब से देखे जा रहा हूँ, एक के बाद एक फोन किए जा रही है, काटती है फिर करती है, काटती है, फिर करती है। क्या बदतमीजी है? मेरा फोन दो मुरली। नहीं है ये, आप बदतमीजी कर रही हैं, इतनी देर से मैं देखता जा रहा हूँ आपको। हद पार हो रही है, मेरा फोन दो। कोई हद पार नहीं हो रही है। ये क्या बचपना है? क्या क्या कर रही है, क्या कर रही है आप? हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। अपने गैंग मेंबर से बात कर रही होंगी, उनसे पूछ रही होंगी कि वो गाड़ी वहां से खिसकी है नहीं खिसकी, ये कर रही है ना, कंफर्म करी थी ना उनसे आप? देखा मैंने खुद। क्या तुम्हें अब भी मुझ पे डाउट है? मतलब मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पार्किंग लॉट में कार खोजने की कोशिश कर रही हूँ और फिर भी? हाँ आप पे डाउट है मुझे, क्योंकि एक शातिर दूसरे शातिर को पहचान सकता है। शातिर? हाँ शातिर। आप मेरे साथ यहाँ पे इसलिए आई ना क्योंकि मुझे आप पे शक है, साथ ढूंढने के बहाने मेरी सारी चाल पर नजर रख सकती हैं, है ना? सब जानता हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ अगर शक है ना, ऐसा करो मेरा फोन लो और जिन भी नंबरों पे मैंने डायल किया है, जिन जिन को कॉल किया है, सबको कॉल बैक करके देखो, मैं इधर ही खड़ी हूँ, करो ना कॉल। कर रहा हूँ चेक। देखो। हाँ देख रहा हूँ ना। देखो ना। हाँ। क्यों नहीं देखना? खोलिए सर। क्यों नहीं खोलना, हो गया? देखो भाभी, धोबी, स्टेशनरी। वाह क्या गैंग है ना मेरा, घर चलाओ गैंग, बहुत खतरनाक लोग हैं, एक से एक शूटर भरे हुए हैं। मिल गई तसल्ली, खोलना वापस। नहीं जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती फोन मेरे पास रहेगा। ये हाँ फाइनल। खुश रहो, फोन रखो अपने पास, जो काम करने आए वो तो कर ले। हाँ चलिए चलो। PD 9966। वाह ये तो वही गाड़ी है, ये तो वही गाड़ी है। चाबी से खुला वहां से? नहीं। अरे शायद तुम खोल के देखो। एक मिनट हटिए प्लीज। लॉक है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या आइडिया।
जानवी जी जरा हटिए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे शीशा तोड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं हम कानून नहीं तोड़ सकते। फिर जानवी जी कैसे पता लगेगा कि किसकी गाड़ी है? अब पता लगाने के और नॉर्मल तरीके भी हैं, हम इंसानों वाले तरीके से ढूंढ सकते हैं। रुको वॉचमैन भैया से पूछते हैं। रुको वॉचमैन भैया, आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? जी बताइए। इधर आइए ना, आइए प्लीज, जल्दी आइए, जल्दी आइए भैया। ये गाड़ी किसकी है? अरे ये तो एडवोकेट श्रीकांत शुक्ला जी की है, यही कचहरी में तो वकालत करते हैं। अच्छा तो फिर इस गाड़ी पे इतनी धूल क्यों है? अरे वो अचानक 15 दिन पहले उनको शहर से बाहर जाना पड़ा और बहुत घबराए हुए थे, पता नहीं क्यों तभी से ये यहीं खड़ी है। वैसे आप लोग? हम वो हमारी भी ऐसी इसी रंग की एक गाड़ी थी जो खो गई। हाँ, हाँ। तो हमें लगा शायद हमारी हो, इसलिए हम जरा एक बार चेक कर रहे थे। अरे भैया क्या कर रहे हो? ये असलियत में वकील साहब की गाड़ी है भैया। अच्छा हाँ? सॉरी सॉरी। थैंक यू भैया, थैंक यू। देखा, हाथों के बजाय बातों से भी काम हो सकता है। जरूर शुक्ला का भी सब में कुछ हाथ है। 15 दिन पहले पापे भी आर्य के पापे हमला हुआ था, मगर ये डर के शहर से भाग क्यों गया अचानक? हो सकता है, और कंफर्म करने के लिए ना हमें ये श्रीकांत शुक्ला की लीगल फाइल तक पहुंचना होगा। हमें कोर्ट जाना होगा। रुको, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ कोई भी अभी अंदर नहीं जाएगा। चलो देखो, आज वकीलों की हड़ताल है, सिर्फ शादी वाला डिपार्टमेंट ही खुला है, तो जिनको शादी करना है वही अंदर आइए, बाकी लोग जाइए जाइए। ओफो, चलो हम भी वापस जाते हैं, अब स्ट्राइक खत्म होगी तब हम वापस आएंगे। भैया हमें शादी करनी है, अंदर आ जाए प्लीज। आइए, वहाँ बाकी लोगों के साथ लाइन में खड़े हो जाइए। थैंक यू, जल्दी ना डालिंग, चलो चलो। क्या बकवास है ये मुरली? हाँ शादी? स्ट्राइक खत्म होने का वेट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा, प्लीज समझिए ना। देखो मुरली, एक बात तो तुम कान खोल कर सुन लो, तुम्हें क्या लगता है ये छानबीन के चक्कर में मैं तुमसे शादी कर लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। हेलो, और ये मैं तुमसे? अरे मैं आप कंग्रेचुलेशंस। मेरे हाथों को देखिए, हाँ देखिए हाथों को, ये देखिए टांगों को, कहीं पे दांतों के निशान नजर आ रहे हैं आपको? देखिए देखिए, नहीं है ना, क्योंकि मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा, ना ही मुझे शौक है आपसे शादी करने का। मैं यहाँ सिर्फ ब्रिटिशर के दुश्मनों को ढूंढने निकला हूँ, ना कि कुछ से दुश्मनी मोल लेने के लिए। अब चुपचाप यहाँ लाइन में खड़े होते हैं और फाइल रूम का ये देखने की कोशिश करते हैं, जब एक बार फाइल रूम दिख जाएगा तो उसकी तरफ निकल लेंगे। ओ मैम, अपनी ये मशहूर दूरबीन जैसी आंखें हैं ना, ये फाइल रूम देखने के लिए इस्तेमाल करिए, ना कि मुझे ताड़ने के लिए। व्हाट? मेरा मतलब घूरने के लिए है। ओके अच्छा, मैं घूर नहीं रही, चले प्लीज चलते। ना, तेरे लिए फ्रिज में वो सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? या अब तू जा देख ले, और हाँ सरप्राइज देखने के बाद ना तेरा मन करेगा जान को फोन करने का, तो तू ये फोन भी रख ले और जान से बात कर ले, ठीक है? मैं चलती हूँ।
जानवी जी, फाइल रूम दिखा कहीं पे। क्या करें क्या करें? मैम ये आपकी भाभी का फोन है। क्या? दोस्त अकेले अकेले आमरस अपने हीरो के लिए कुछ भी नहीं बचाया। जान के साथ क्या कर रहे हो? वो हम दोनों ऐसे ही किसी काम से बाहर आए थे। हाँ। हीरो, आप और जान लाइन में क्यों हो? वो आप दोनों ये शादी का फॉर्म भर लीजिए। थैंक यू। शादी? आप दोनों शादी कर रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली बेटा, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो और मेरी बात सुनो। आमरस खाने के बाद आपको दूध पीना है, फुल क्लास, ओके? वरना आपके पेट में जलन होगी, समझे आप? ओके जान। और एक बात, अभी तक आपने कपड़े पहने हुए, जाकर घर के कपड़े पहनो ना और रिलैक्स करो। और हाँ, जान जल्दी आपके पास आ जाएगी। क्या? फोन मेरे पास रहेगा। आप दोनों आइए। ओके। हमें चले। अब सर सुनिए, हमसे आगे एक जोड़ा खड़ा था, आपने हमें पहले बुला लिया, हम उनके बाद आते हैं। आप दोनों की किस्मत बहुत ही अच्छी है, दूसरे रजिस्ट्रार साहब आ गए हैं। अब आप दोनों की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी।